हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 5 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन ब्रदर्सहुड डे ये 4 फरवरी को मनाया गया है। इसलिए मनाया जाता है कि विभिन्न धर्मों, मान्यताओं, संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। विश्व कैंसर दिवस की थीम थी आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026 तक। अभी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है इस संधि के लिए। बात हो रही है, देखिए, अमेरिका और रूस की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और राजधानी है वॉशिंगटन DC। और देखिए, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और बात हो रही है, देखिए, राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र और राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और अमेरिका के बीच निम्न अभ्यास और होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास नाम से जाना जाता है। दूसरा है वज्र प्रहार, तीसरा है कोप इंडिया और चौथा है टाइगर ट्रंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस और लतीफा, इन दोनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन दोनों को। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड। तो अमेजन के नए CEO अभी कौन बनाए गए हैं? एंडी जैसी बनाए गए हैं। पहले अमेजॉन के संस्थापक CEO जैक बेजोस थे, जो कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब 1 जुलाई 2021 से एंडी जेसी अमेजॉन के नए CEO होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय सिंह। और देखिए, भव्या लाल ये नासा की नई अध्यक्ष बनी थी और चंडी प्रसाद मोहती को थल सेना का उपाध्यक्ष बनाया गया था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी इंडोरसर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है वो है 237.7 मिलियन डॉलर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हैं अक्षय कुमार। ठीक है, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है 118.9 मिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर हैं रणबीर कपूर, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 102.9 मिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चोरी चोरा कांड को हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसी कांड को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBI
के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होलब्रुक का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिनेता थे, ये अमेरिकी अभिनेता थे। तो देखिए 5 फरवरी के हमने सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।